मोसुल में आईएसआईएस से बचने वाले हरजीत मसीह भारतीयों की शूटिंग का वर्णन। भारतीय अधिकारियों ने पुष्टि की कि मोसुल के पास एक सामूहिक कब्र में 39 श्रमिकों के शव मिले थे। डीएनए परीक्षणों के माध्यम से उनमें से 28 की पहचान की गई है। सिख पुरुषों द्वारा पारंपरिक रूप से पहने जाने वाले आईडी कार्ड और कंगन भी पास में पाए गए। 2014 में उत्तरी इराकी शहर मोसुल के बाहर 40 भारतीय निर्माण कार्यकर्ता गायब हो गए। शहर सिर्फ इस्लामिक राज्य आतंकवादी समूह में गिर गया था। रिश्तेदारों ने कहा कि उन्हें कुछ श्रमिकों से घबराहट मिली, मदद के लिए भीख मांगना। 3 साल पहले इराक के मोसुल में 40 भारतीय कार्यकर्ता गायब हो गए थे। सभी को आईएसआईएस आतंकवादियों द्वारा बंदी बना लिया गया था जब तक कि वे बच नहीं सके। अन्य 39 की मारे गए, एक जन कब्र में दफन पाए गए हैं। फिर साल के लिए कुछ भी नहीं। भारत सरकार ने रिश्तेदारों से आशंका नहीं छोड़ी, लेकिन इस हफ्ते भारतीय अधिकारियों ने पुष्टि की कि मोसुल के पास एक बड़े पैमाने पर कब्र में 39 कर्मचारियों की शव पाए गए थे। डीएनए परीक्षणों के माध्यम से उनमें से 28 की पहचान की गई है। सिख पुरुषों द्वारा पारंपरिक रूप से पहने जाने वाले आईडी कार्ड और कंगन भी पास में पाए गए। अंतिम शरीर पर विश्लेषण अभी भी चल रहा है। 40 मजदूरों में से एक हरजीत मसीह पहले अपने बंदी उठाने वालों से बचने में कामयाब रहा था। भारत के विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने मंगलवार को संवाददाताओं से कहा, पूर्ण प्रमाण के साथ मैं कह सकता हूं कि ये 39 मृत हैं। भारत सरकार ने लंबे समय से सुझाव दिया था कि कम से कम कुछ बंधकों को अभी भी जिंदा हो सकता है साल के लिए। हालांकि उस संदेश को मसीह ने खंडन किया था। उन्होंने बार बार संवाददाताओं से कहा कि समूह में सभी को मार दिया गया है। मसीह के मुताबिक श्रमिकों को इस्लामी राज्य ने कब्जा कर लिया था और कई दिनों तक आयोजित किया था। वध के दिन उन्होंने कहा, पुरुषों को बाहर ले जाया गया और घुटने टेकने के लिए मजबूर किया गया। फिर मसीह के खाते के अनुसार उग्रवादियों ने गोली मारना शुरू किया। वे मेरी आंखों के सामने मारे गए। उन्होंने मंगलवार को एक उत्तरी भारतीय गांव में अपने घर से दोबारा दोहराया। मसीह जंग में गोली मार दी थी, लेकिन कुर्दिश नियंत्रित इरबिल से बचने में कामयाब रहा। भारतीय अधिकारियों ने उस खाते पर विवाद लगाते हुए कहा कि वह बांग्लादेश से मुस्लिम के रूप में पेश करने से बच गए थे। एक बयान में इराक की सरकार ने कहा कि उसने भारतीय दूतावास के साथ डीएनए नमूने का उपयोग करने के लिए सकारात्मक पहचान करने के लिए काम किया है। इराक ने कहा कि यह दूतावास के साथ शरीरों को भारत लौटने के लिए भी समन्वय करेगा। कब्र में अन्य शिकार भी हो सकते हैं। इस्लामी राज्य, जिसे आईएसआईएस और दाहेश भी कहा जाता है, पर 2014 में पास के एक जेल से लगभग 500 कैदियों को अंजाम देने का आरोप है। इस तरह की कब्र के कई इलाकों में इस्लामिक राज्य द्वारा नियंत्रित किया गया था। इराकी सरकार संसाधनों और कर्मियों की कमी से बाधित पीड़ितों की पहचान करने में धीमा रहा है। दिसंबर में इराकी सरकार ने इस्लामी राज्य के खिलाफ विजय की घोषणा की। समूह के बाद 3 साल से अधिक के बाद देश का एक तिहाई कब्जा कर लिया गया था।